अगली खबर, भोपाल में ई टेंडर घोटाला मामले में आयकर विभाग ने मोंटाना आदित्य के 14 ठिकानों पर दबिश दी है। मंगलवार शाम से जारी छापामार कार्रवाई में करोड़ों रुपए के कर चोरी के प्रमाण मिलने की खबर सामने आ रही है। आयकर की टीम भोपाल, हैदराबाद सहित 14 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। शुरुआत में ईडी से मिली जानकारी के बाद आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। आईटी की टीम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग के दस्तावेजों में करोड़ों रुपए की कर की चोरी के प्रमाण मिले हैं, इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आयकर विभाग की टीम अभी भी दस्तावेजों को खंगाल रही है। माना जा रहा है कि जल्दी अफसर करोड़ों की कर चोरी का खुलासा करेंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इनकम टैक्स के छापों पर कहा है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन रखना चाहती है। जांच एजेंसियां जो कार्रवाई करती हैं, हमारी सरकार उसमें सहयोग करती है। जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। और वहीं आबकारी नीति को लेकर कहा है कि आपका जुलाई तक पेंडिंग करने की जो बात निकल कर सामने आ रही थी, इस पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस पर अभी फैसला होना बाकी है, इससे नगरीय निकाय चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का हर नेता नशे के खिलाफ है। नशे के खिलाफ प्रदेश में जन जागरण चलाया जाएगा। समाज को नशे से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। गाँव को नशे से दूर रखने का पहले से प्रयास हो रहे हैं। कोई मतभेद नहीं है, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे उमा भारती हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे विश्वास सारंग हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हम सब नशे के खिलाफ हैं। नशा मुक्ति हम सबका संकल्प है और इसलिए सभी एक ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने आकर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बात की। शिवराज सिंह चौहान जी तो नर्मदा सेवा यात्रा के समय से नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, कोई राजनीति की बात नहीं की। और हम सब एक मत से नशे के खिलाफ है और नशा मुक्ति हमें समाज में इसका जन जागरण करना है, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, राय सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट राज्य खास खबरों को लेकर बात की जाए तो दो खास खबरें बड़ी निकलकर सामने आई। एक रहा इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई, तो दूसरा नई आबकारी नीति का इंतजार, जिसको लेकर विश्वास सारंग एक बड़ा बयान देते नजर आ रहा है। हालांकि सबसे पहले बात की जाए आबकारी नीति को लेकर, तो क्या कुछ खाका तैयार होने की बात निकलकर सामने आ रही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल आबकारी नीति में कुछ वक्त लग सकता है। राय जी, देखिए कंवर, जिस तरह से नई आबकारी नीति को लेकर लंबे समय से बात होती रही है, लेकिन अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो नई आबकारी नीति है उसको जुलाई तक उसको पेंडिंग रखा गया है, इसे कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, और जो केस के चलते जो नई शराब नीति है उसको पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। उसका कारण है कि जो उमा भारती मार्च में बाकायदा शराबबंदी को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, ऐसे में तमाम तरह के सवाल सरकार से जब इस बारे में पूछे गए तब ये कहा गया है कि सरकार नशाबंदी के पूरी तरीके से समर्थन में है, नशा को लेकर पूरी तरीके से लगाम उसमें लगना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर शराबबंदी को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई डायरेक्ट इस पर बयान नहीं आया है, और यही कारण है कि जो कांग्रेस है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। और अब नई आबकारी जो नीति है उसको लेकर जो फैसला डाला गया है और उसको लेकर जो सफाई कहीं ना कहीं दी गई है विश्वास सारंग की तरफ से, और नशा के खिलाफ कहा गया है कि प्रदेश में जागरण जन जागरण के जरिए इसको खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक कार्यक्रम के दौरान ही कह चुके हैं समाज की, जब उनसे इसी बात का सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि सरकार नशा के खिलाफ है और ये सारी चीजें जन जागरण के जरिए होना चाहिए, स्वयं लोग इसके लिए अवेयर हों और कहीं ना कहीं इस लत को छोड़ें। तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उमा भारती जिस तरह से शराबबंदी को लेकर जन जागरण पर निकल रही है, ऐसे में सरकार का जो मत है वो अलग है और उमा भारती का मत अलग है, और यही कारण है कि कांग्रेस को सवाल
जो खड़े कर रही है उसको मौका मिला है। जी बिल्कुल राय जी, ये तो रही आबकारी नीति को लेकर बात, लेकिन ई टेंडर मध्य प्रदेश में इसको लेकर कई बार सियासी तस्वीरें भी निकल कर सामने आती है, और ई टेंडर घोटाले मामले से जुड़ी आज एक बड़ी खबर जो निकल कर आई वो ये है कि मोंटाना आदित्य के 14 ठिकानों पर दबिश दी गई है। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? हालांकि जो है पारदर्शिता वाला प्रशासन बने इसको लेकर सरकार प्रयत्न कर रही है, इस तरह की बात भी जो है विश्वास सारंग कहते नजर आ रहे हैं। देखिए कमर, ई टेंडर घोटाले मामले में जिस तरह से भोपाल और हैदराबाद में एक साथ जो ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, टोटल 14 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जो मोंटाना आदित्य ग्रुप है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के दस्तावेजों में करोड़ों रुपए की जो कर चोरी का ये मामला है, और जो ईडी को इसके प्रमाण मिले थे आयकर विभाग की कार्रवाई में, तो इसको लेकर लगातार कल जो शुरू हुई थी छापेमारी कार्रवाई, आज भी ये जारी रही। भोपाल में जो 3 ठिकाने हैं मोंटाना आदित्य ग्रुप के, उस पर छापेमारी कार्रवाई की गई, और लगातार ईडी साक्ष्य जुटा रही है, दस्तावेज जुटा रही है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की कर चोरी का ये मामला है, और लंबे समय से ये कर चोरी ग्रुप द्वारा की जा रही है, और उसी के बाद बड़े पैमाने पर छापामारी की गई है हैदराबाद और भोपाल में। जी चलिए।